आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी। सिटी ब्यूरो चीफ की पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी ना हो सकी, खसूसी रिपोर्ट देखिए सिटी ब्यूरो चीफ कराची की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज मैं पाकिस्तान स्टील मिल का इलाका स्टील टाउन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो मज़दूरों के साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है वो मज़दूर खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हो, खैरियत है जी? स्टील मिल के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, वो मुलाजमीन के साथ भी उससे भी ज़्यादा ज़्यादती हुई है। स्टील मिल चलता हुआ इदारा उसे बंद किया गया अपने ज़ाती मफादात के खातर, सिर्फ ज़मीन की बटरवान के लिए, और कैसा इशू तो था नहीं। स्टील मिल चल रहा था, वो फर्स्ट क्लास इदारा था जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा था, आज वो इदारा स्क्रैप बन गया है, जिसे वफाई गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। वो जो लोग रिटायर हुए हैं उनके ड्यूज़ का कोई हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है तो उनको ड्यूज़ कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। 2013 क्या 2010 से तनख्वाहें नहीं बढ़ी लोगों की, और वो उसी हिसाब से जी रहे हैं। इस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं लोग वो तो मजबूर हैं, ना नौकरी छोड़ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। महंगाई हर 3 महीने के बाद बढ़ती है और तनख्वाह उनके 2010 से अभी तक नहीं बढ़ी है। तो अच्छा, बिजली के मद में देखो 50 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट लिया जा रहा है, जो कहीं भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान में नहीं होगा ये रेट, और बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। गैस के बिल अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, एक घर को 4000 से ऊपर बिल भेजा जा रहा है गैस का, तो लोग जो बेरोज़गार हैं वो कैसे बिल देंगे? तो खुदकुशियाँ होंगी और करप्शन होगा इससे, कोई लोग चोरियाँ करेंगे अपनी चीज़ को करने के लिए। बस मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। और भाई जान, यहाँ के आपको हालात का सब पता है, बड़ी जुल्म हो रहा है यहाँ पर, यहाँ वर्करों के साथ काफ़ी अरसे से तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी, काफ़ी मुलाजमों को बेदर्दी से निकाला गया है, उनका माली कत्लेआम किया है माशी, और बिजली के बिल बड़े बड़े भेज रहे हैं, गैस के बिल भेज रहे हैं, और गैस भी काट दी गई है मुलाजमों को। मैनेजमेंट की बदमाशी फुल उरूज पे चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, और यूनियन साजी भी कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ लीडरशिप सिर्फ चाय तक महदूद रह गई है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है, बराए मेहरबानी करके इनके अपने वाजिबात दिए जाए और स्टील मिल को फिलफोर चलाया जाए। सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी, ENN न्यूज़ की तरफ से सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी ब्यूरो चीफ। तो ये तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुन ली, तमाम मज़दूर परेशान।